देवियों और सज्जनों, आज वो चीज़ आ चुकी है हमारे पास जो बेसब्री से हम सभी को इंतज़ार था, मेरे को भी था और आपको भी था। तो आज हम ऐसे एक प्रोडक्ट को देखने वाले हैं जो कि आपकी डेली नीड्स में लगता है। आप लोग जानते होंगे कि मेरा मॉस्किटो बैट था जो कि ख़राब हो चुकी थी और उसकी जो प्रॉब्लम था वो सर्किट का प्रॉब्लम था, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आ ही रहा था। तो हमने बहुत कुछ इसे रिपेयर किया तो फाइनली मेरे को ये प्रोडक्ट मिल चुकी है ऑनलाइन में। सेम टू सेम है बोर्ड, है आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी, सब कुछ आपको सेम टू सेम है पुरानी बोर्ड के हिसाब से। तो हम पुराने बोर्ड को भी मैच करेंगे और इसको भी आज टेस्ट करके देखेंगे क्या ये सच में काम करता है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे दो मंगाया हूँ क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे पास एक बैकअप रहना जरूरी है। इसमें कैसे कैसे कनेक्शन करना है, क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। कनेक्शन करेंगे और इसकी टेस्टिंग करके देखेंगे और पुराने वाले कुछ पार्ट्स हैं उसको निकाल के यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा पुराना वाला पार्ट सही है कि नहीं। और मैं सबसे पहले आपको पुराने वाले सर्किट आपको दिखाता हूँ, उसके बाद नया वाला में जाएंगे और दोनों के भी अंदर देखेंगे क्या है क्या नहीं है, टेस्ट करके भी देखेंगे इतनी स्पार्क इसमें से निकलता है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस ये देता है या बुरा परफॉर्मेंस देता है, तो या फिर टेस्ट करते करते ही ये खराब हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी पुरानी सर्किट यहाँ पे आपके सामने में है, तो ये है नई सर्किट, ठीक है दोस्तों। इसको बीच में तोड़ने को दिया है, आप तोड़ के इसको अलग कर सकते हैं, तो इसको भी हम तोड़ेंगे। उसके बाद इसकी कनेक्शन किस तरह से क्या है, कहाँ पे एसी सप्लाई होगा, कहाँ से आपका डीसी के लिए बैटरी के लिए आउटपुट होगा, कहाँ से यहाँ से कनेक्शन होगा, ठीक है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो इसको सर्किट में बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से मैं बैट का जो उसका वायर निकाल रहा हूँ, यहाँ पे ये निकल गया, दो चार ही है बैटरी का प्लस माइनस, ये भी हम निकाल देते हैं। उसके बाद एसी का सप्लाई है उसको हम निकाल देते हैं। तो हमने ये सर्किट को निकाल दिया है पूरी तरह से, ठीक है। अब करते हैं दोस्तों इस वाली सर्किट और इस वाली सर्किट का थोड़ी सी एक बार झलक दिखाते हैं, कंपैरिजन दिखाते हैं और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे इस वाली बोर्ड में और रैकेट में हम चेक करेंगे इसकी पावर, जो स्पार्क कम आ रहा था वो सही से आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप देखेंगे दोस्तों सेम टू सेम है, आप देखेंगे पीछे की तरफ से आपको कोई भी अलग देखने को नहीं मिलेगा, सेम टू सेम है। जो सबसे बड़ा फर्क जो देखने को मिलता है इसकी ट्रांसफार्मर में, ये ट्रांसफार्मर थोड़ी सी बड़ी है और ये ट्रांसफार्मर छोटी है, ठीक है। और बाकी देखिए तो पीएफ का वैल्यू भी आपको सेम देखने को मिलेगा, 200 यहाँ पे लिखा हुआ है, 223J 2000 वोल्ट, यहाँ पे 223J 2 किलो वोल्ट, ठीक है, मतलब 2000 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम है 3 KB का आपका ये मिल जाएगा पीएफ ब्लू कलर का, ये भी 3K का है और ये डायोड है आपका 4000 है। और ये डायोड सबसे अलग है, कोई कोई आपको बताएगा यूट्यूब में बताएगा कि आपको बताएगा इसके जगह पे 4007 का डायोड लगा दीजिए, IN4007 का डायोड लगा दीजिए। तो मैंने भी बताया था लेकिन वो मेरा गलती था, मैं आज इस वीडियो में मानता हूँ। तो इसमें जो लगा हुआ है 4000 वो है आपका 4 एम्पियर का, ठीक है, तो 4000 वोल्ट का 4 एम्पियर और IN4007 जो है वो 1 एम्पियर का 1000 वोल्ट तक कैपेसिटी है, दोनों में बहुत अलग है, आप उसको लगा नहीं सकते, काम नहीं करेगा। इसकी जो ट्रांजिस्टर है, इसकी जो नंबर है ये अलग है और इसमें जो लगा हुआ है मैंने जो आपको दिखा था D882, ये देखिए दोस्तों D882 ट्रांजिस्टर का जो नंबर है D882 लगा हुआ है और इसमें जो लगा हुआ है इसमें कोई भी नाम नहीं है। और उसके बाद इसकी जो पीएफ का वैल्यू है वो सेम है, सेम टू सेम है, इधर में इसका वैल्यू है ये 474 400 वोल्ट और इसमें भी वही नंबर है 474 400 वोल्ट। और इसमें जो ब्रिज रेक्टिफायर लगाया गया है ये इसको पीछे के साइड में है, ये पीछे के साइड में ब्रिज रेक्टिफायर है और इसमें आपको ऊपर की तरफ ब्रिज रेक्टिफायर देखने को मिलेगा, ठीक है। पीछे की तरफ से कोई भी SMD नहीं है, ऊपर से तरफ से ये पिन माउंट है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है छोटी छोटी है और इसमें 1/4 वाट की है, ठीक है। और दोनों तरफ से 2 LED है, इसमें आपको एक हरा एक रेड देखने को मिलेगा LED, उसमें कोई फर्क नहीं है, आप रेड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही था सबसे पहले, फटाफट से देख ले, इसको हम तोड़ते हैं और उसके बाद उस वाले सर्किट में जोड़ के देखते हैं। तो इसे करेंगे तो आपका ये टूट जाएगा इस तरह से, मैं 2 सेट मंगाया हूँ, ठीक है। और चलिए इसको सोल्डरिंग करते हैं, सेम टू सेम सोल्डरिंग होगा। तो आप लोग वीडियो को बहुत सारे इस तरह से प्यार दे रहे हैं तो इस तरह से प्यार देते रहिए, मेरे वीडियो को इस तरह से देखते रहिए, बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। मैं आपको कोशिश करता हूँ बहुत कुछ चीज़ आपको सिखाने के लिए। तो मैं एक सर्किट ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसा वाला आप देख लीजिए दोस्तों, कोई भी अलग नहीं है। इसमें आपको येल्लो कलर और रेड कलर का ऐसे ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा और इसमें आपको ब्लू एंड ग्रीन का देखने को मिलेगा, ठीक है, जो मैंने मंगाया हूँ। और इसमें LED देखिए, इसमें ग्रीन और रेड है और इसमें दोनों का दोनों रेड है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन मत होइए, ठीक है, और आप मत बोलिए कि फेक है कुछ है, फेक मैं नहीं बनाता हूँ वीडियो, जो है आपके सामने लाइव दिखाता हूँ।
बनता है तो आपके सामने, ख़राब होता है तो आपके सामने। चलिए इसको जोड़ देते हैं। हाँ, इसमें किस तरह से क्या है, इसको वहाँ दिया गया है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एसी दिया गया है, एसी दोनों तरफ से पिन है, और बैटरी के लिए यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, बाकी एक सिंबल बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक प्लस का सिंबल है और इधर तरफ आपको एक माइनस का सिंबल देखने को मिलेगा। और ये देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों में से बैटरी कनेक्शन होगा। तो बस इतना ही दिया गया है। तो यहाँ पे एक प्लस माइनस का भी सिंबल दिया गया है, आप देखेंगे क्या होगा। और से माइनस में आपको ब्लू लगाना है और प्लस में आपको रेड लगाना है, जो कि हम बचपन से मानते आए हैं कि रेड हमेशा प्लस होता है, पॉजिटिव जाता है रेड कलर की वायर से। तो ये जाएगा पॉजिटिव में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है। कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ता है प्लस माइनस इधर से हो, लेकिन फिर भी हम लगा लेते हैं, उसके बाद हम चेंज करके देखेंगे। तो उसके बाद हम बैटरी का लगा देते हैं। बैटरी का ये रेड है, प्लस है, तो प्लस जाएगा प्लस में, और इसकी माइनस जाएगा इसकी माइनस में, जो कि ये है इसकी माइनस। तो स्विच को हम ऑफ कर लेते हैं तो दिक्कत आ सकती है, तो हमेशा स्विच को ऑफ करके ये कीजिएगा, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज का इसमें आउटपुट होता है, जनरेट होता है। तो एक दिक्कत यहाँ पे आ रही है, क्योंकि ये जो सर्किट है वो यहाँ से सही से नहीं बैठ रहा है, क्योंकि केस अलग है, बॉडी अलग है और सर्किट भी अलग है, तो ये यहाँ से नहीं बैठ रहा है। ये एक बटन से यहाँ पे गैप है, लेकिन यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, तो ये थोड़ी सी अट रहा है। तो चलिए एक बार हम इसको टेस्ट करके देखते हैं इसकी आउटपुट किस तरह से है। तो टेस्ट करने के लिए मैं इसे ले आया हूँ स्क्रू ड्राइवर, तो यहाँ पे स्पार्क करके देखते हैं इसकी आउटपुट किस तरह से। ये पावर मैंने ऑन किया, प्रेस किया, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एलईडी ये ग्लो कर रहा है, ये वाला एलईडी ग्लो कर रहा है, ये देखिए। अभी प्रेस करके देखेंगे, ये कम है, यानी कि इसमें बैटरी में बिल्कुल भी पावर नहीं है। बैटरी को थोड़ी सी एक बार चेंज करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने बैटरी निकाल दिया हूँ, इस वाली बैटरी लगी हुई थी, छोटी बैटरी। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक वाली मोबाइल बैटरी है, तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों 3.7 वोल्ट 800 एमएच की है, और कम से कम अगर भी डाउन होगा तो ये 600 एमएच तक ही इसको बैकअप दे देगा, जो कि लगभग इसी के पावर के हिसाब से है। और इसमें आपको मैं यहाँ पे बीएफएमएस सिस्टम जो था इसको निकाल दिया हूँ, तो चलिए इसमें प्लस माइनस दी गई है यहाँ पे, तो इसको प्लस माइनस जोड़ देते हैं तो इस वाली वायर में। उसके बाद मैं आपको एक वोल्टेज दिखाता हूँ इसकी मेजरमेंट, तो ये आपको कितनी वोल्टेज आउटपुट दे रही है, ठीक है, बीएमएस हटाने के बाद, क्योंकि इसमें बीएमएस का प्रॉब्लम था। तो एक बार आपके घर में जो पुराना बैटरी है उसमें से आपका बीएमएस एक बार ज़रूर हटा के देखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसकी माइनस प्लस है, तो ये देखिए दोस्तों 4 वोल्ट के आसपास यहाँ पे दिखा रहा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जोड़ दिया हूँ, सोल्डिंग कर दिया हूँ, तो इसको मैं डायरेक्ट एसी से चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बीएमएस सिस्टम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो बीएमएस सिस्टम एक लगाना पड़ेगा, जिस टाइप की इस टाइप की बीएमएस सिस्टम आती है, तो इस टाइप की कुछ लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये चार्ज होगा। तो हम देखते हैं दोस्तों ये बैटरी चेंज करने के बाद इसकी पावर बढ़ा या नहीं। लाइट भी थोड़ी सी हाई हो चुकी है और चेक करेंगे हम। ओ तो इसकी पावर सच में बढ़ चुकी है। इसके हिसाब से आपका थोड़ी सी हाई नहीं है, क्योंकि इसकी ट्रांसफार्मर थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, बड़ी होने से थोड़ी सी और स्पार्क निकलता है, लेकिन इसके ट्रांसफार्मर के हिसाब से ये सही है, ठीक है, इतना स्पार्क हो रहा है, मच्छर यहाँ पे आसानी से मर जाएंगे। तो ये वाला बोर्ड सच में काम कर रहा है अभी फिलहाल के लिए। इसको एक बार लगा के देखते हैं, इसमें दोनों में कंपैरिजन हो जाएगा, दोनों में आपको पता चलेगा कि स्पार्किंग किस तरह से है। स्विच के साथ बैटरी अटैच रहता है, हमेशा आप याद रखें, अगर आपको नहीं मिलता है तो स्विच की एक पॉइंट से आपको बैटरी कनेक्शन मिलेगा, उसकी दूसरी साइड से आप मत लगाइएगा, क्योंकि उससे वो आउटपुट निकलता है। तो ये देखिए, मैं पावर दूंगा तो इसकी एलईडी भी ग्लो करेगी, तो ये अच्छी तरह ग्लो कर रहा है। तो हम देखते हैं दोस्तों इसकी स्पार्क कितनी आई है, क्योंकि हमने बैटरी को चेंज किया है, ठीक है। तो एक बार हम चेक करते हैं, थोड़ी सी तो बढ़ा है, तो इसकी एक्चुअल जो आउटपुट है वो टेस्टिंग है, वो तो मच्छर के साथ ही हो सकता है। तो दोस्तों आप क्या करते हैं कि इसकी तो टेस्टिंग हमने कर दिए, तो ये हमने बोर्ड चेक कर दिया है, और दूसरा जो बोर्ड था उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी दूसरी जो वीडियो मैं लाऊँगा उसमें क्या करूँगा, हमने जो जो पार्ट्स इसमें नया लगाए हैं जो खराब हो चुकी थी, सब इसमें इस वाली बोर्ड में एक एक करके चेंज करके देखेंगे और चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भी वही है, तो इसमें सिर्फ बैटरी कनेक्शन करना है और इसमें आउटपुट निकालना है। तो हमने लगा दिए हैं प्लस माइनस। अब चलिए दोस्तों हम चेक करते हैं इसमें स्पार्क किस तरह से है। तो इसमें लाइट भी बहुत अच्छा खासा ग्लो हो रहा है, आप देख पाएंगे दोस्तों। तो हम चेक करते हैं, तो
ये जो है यही है, इतनी स्पार्क निकल रहा है। ये बोर्ड की जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके उससे बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अपना रैकेट को चेंज कर सकते हैं या तो रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आपको बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है। सस्ती में मिल जाता है आपको, 130 रुपये से 150 रुपये के बीच में ये मिल जाता है, और पूरी रैकेट आपको 250 से 300 के बीच में मिलता है। तो इतनी बड़ी रेट अब फर्क नहीं है, आप चाहें तो इसको नया भी ला के लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादातर केस में इसकी ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी बाइंडिंग करना मतलब आपकी मुश्किल हो सकती है, बहुत मुश्किल हो सकती है। ज़्यादातर ट्रांसफार्मर में यही दिक्कत है, क्योंकि ये मिलता नहीं है, बाकी सारा चीज़ आपको मिल जाएगी, 19-20 करके आपको मिल जाएगा वैल्यू, लेकिन इसका थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो आई होप दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे आप करना है, लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो आप इस तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए, प्यार देते रहिए, आप लोग इतना मोटिवेट करते हैं मेरे को कि इस तरह से कुछ नया नया टॉपिक आपके पास लेके आता रहता हूँ। आई होप दोस्तों ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, ठीक है। मैंने बहुत कुछ ढूंढने के बाद ये मार्केट मिला है, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में मिल रहा था लेकिन वो ख़त्म हो चुका था, मैं ऑनलाइन मार्केट से इसको बाय किया हूँ, दो बाय किया हूँ, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट भी काम में आ जाएगा आपके लिए, इस तरह से नया नया कंटेंट भी आता रहेगा। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।